हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेट कर ले। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का बीए, बीएससी, बीकॉम का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि रिजल्ट आज आ जाएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में फाइनली पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है और आप अपना रिजल्ट सबसे पहले कहाँ चेक करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी दूंगा ताकि आपको रिजल्ट चेक करने में और रिजल्ट के बारे में जानने के लिए ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। रिजल्ट चेक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल और कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने का सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है kno-anythings.in। सिंपली आपको इतना टाइप करके सर्च करना है। जैसे आप इतना टाइप करके सर्च कर देंगे, क्या टाइप करना है आपको, kno-anythings.in, इसे आप याद कर ले, ठीक है। इसी को आपको टाइप करना है क्योंकि इसी वेबसाइट पे आपको सटीक जानकारी मिलेगा। जैसे आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा kno-anythings का, ठीक है। सिंपली आपको kno-anythings वेबसाइट को ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। जब ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा, वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट सेक्शन में और लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में मिल जाएगा LNMU का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री का रिजल्ट। सिंपली आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है LNMU पार्ट वन रिजल्ट, यहां इसी में पार्ट टू, पार्ट थ्री का भी रिजल्ट इंक्लूड किया गया। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। इस पोस्ट में ही, इस आर्टिकल में ही आपको सटीक जानकारी मिलेगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा और इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि आप लोग को ये पता है कि इसमें बहुत दिनों से कोर्ट में बहस चल रहा था और LNMU में भी बहस चल रहा था कि रिजल्ट कब जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इस पोस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला। सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप रिजल्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 लाख से अधिक छात्र के लिए राहत भरी खबर है। लंबित परीक्षाओं का परिणाम सप्ताह भर में जारी होगा। मतलब कि शुक्रवार को बैठक में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में तय किया गया है कि अब किसी को भी ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि छात्र भी बहुत दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि आप लोग को पता है कि बहुत दिनों से आप लोग वेट करें, तो अब आप लोगों को वेट नहीं करना होगा क्योंकि आपका रिजल्ट सप्ताह भर में जारी हो जाएगा। न्यूज़पेपर में क्या कहा गया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये न्यूज़पेपर आपको यहीं पे मिल जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के लंबित परीक्षा परिणाम सप्ताह भर में किए जाएंगे जारी। मतलब कि यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर भी बैठक हुआ था फ्राइडे को। उस बैठक में ये तय किया गया है कि आपका रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका रिजल्ट कब आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है, तो इसलिए आप लोग इस पोस्ट को पढ़ते रहेंगे। इस पोस्ट में सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया कि आपका रिजल्ट कब आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, पूरा अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा था, सभी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया। तो आप इसे एक बार रीड कर लेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था, आपका रिजल्ट में इतना टाइम क्यों लग रहा था, सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग इस पोस्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको तसल्ली मिल जाएगी कि आपका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि अब आपका रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा जो कि इस पोस्ट में बताया गया है, ओके। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिंक भी दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं LNMU पार्ट वन का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया 3rd week of May, मतलब कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड दिया गया है 3rd week of May, मतलब कि आपका 17, 18, 19 के बीच में रिजल्ट आने का चांस है, तो इस बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ओके। यहाँ पे लिंक भी दिया गया है कि आप रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। बीए पार्ट वन का रिजल्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। बीएससी पार्ट टू का रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बीकॉम पार्ट टू का रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, तो आप यहाँ से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे भी बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसे भी पढ़ लेंगे। इसे पढ़ने के बाद आपको रिजल्ट चेक करने में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस पोस्ट में किसी भी तरीके का फीडबैक देना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और जितना हो सके इस वेबसाइट को शेयर करें, क्योंकि इस वेबसाइट पर आपको सटीक से सटीक जानकारी मिलेगा, 100% सही जानकारी मिलेगा, कोई फेक जानकारी आपको इस वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर ले। इससे ये होगा कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।